उज्जैन के गंभीर नदी रोड पर नई खेड़ी गांव में संपूर्ण विश्व का भला हो ऐसी कामना को लेकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रोतागण पहुंच रहे हैं। यहां पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्थानीय ग्रामीण चैन सिंह कुशवाहा। पूर्व सरपंच का कहना है कि कलयुग में भक्ति ही शक्ति प्रदान करती है और शक्ति ही विजय श्री को दिलवा सकती है, इसलिए मैं और मेरे परिवार के सभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं और हम सब कथा करवाते हैं और कथा को सुनते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। के अंदर भागवत महापुराण से बढ़कर श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की पूरी विष्णु संहिता है और भगवान कृष्ण ने ये सभी को आगाज किया है कि आप सब भगवान की भक्ति करिए भागवत के माध्यम से और अपने जीवन को सफल बनाइए और परमात्मा की भक्ति करिए, परमात्मा की आराधना करिए। सत्संग और कथा से बढ़कर कुछ है नहीं, क्योंकि ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि ने यही बताया है, वशिष्ठ जी ने, कि बिना सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा है और सत्संग के साथ भगवान की जो आराधना होती है, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का भजन होता है। मैंने परमात्मा से जो कुछ मांगा मुझे सब कुछ मिला है भगवान की आराधना से, और मेरे मन में प्रभु ने, मैंने मजदूरी करी और भगवान की दया से मैं आज इस पोस्ट में परमात्मा लाया है। और मेरे परमात्मा, जब भी मैं, मेरे को कोई संकट आता है वो जब मैं उसे याद करता हूँ, जब मेरे भगवान मेरी सब नैया पार करता है परमात्मा। तो जब से मेरी लगन है महाकाल बाबा की नगरी में और गुरु जी का, मैं, मेरे गुरु है 20 साल से और इनकी आज्ञा से मैंने ये कार्यक्रम चलाया है और भगवान की इच्छा से मैं जिंदा रहूँगा, तब तक चलूँगा जिस तरीके से परमात्मा की दया और सब लोगों को सुनूंगा। बहुत बहुत हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।